नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने चैनल मनी मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बैंक द्वारा दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, बैंक किन किन ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, ये सुविधा का उपभोग हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक द्वारा अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स उनके लायल होते हैं यानी कि उनका लेन देन अच्छा होता है, ऐसे कस्टमर को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके खाते में बैलेंस जीरो हो तो भी आप एक सर्टन लिमिट तक पैसा विड्रा कर सकते हैं, और उस सर्टन लिमिट से पैसा विड्रा करने के लिए आप जितना अमाउंट विड्रा करते हैं और जितने दिन के लिए इंट्री आप विड्रा करते हैं उतने दिन के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब ये जानना चाहते हैं कि ये फैसिलिटी कैसे मिल सकती है। जी हाँ, अगर आप जिस भी बैंक में अपना खाता मेंटेन करते हों उस बैंक से आप अप्रोच कर सकते हैं और ये सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन फैक्ट्स दो तरह की होती है, एक तो क्लीन ओवरड्राफ्ट जिसके अगेंस्ट आपका कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है, और एक होता है सिक्योरिटी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आप बैंक का FDR हो, आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, किसान विकास पत्र हो, अथवा मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी हो यानी कोलेटरल सिक्योरिटी अवेलेबल हो, उनके अगेंस्ट भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। पर्पज कुछ भी हो सकता है, आप पर्सनल यूज़ के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, इन दोनों पर्पस के लिए बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लीन ओवरड्राफ्ट ऐसा होता है, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन हैं और आपका करंट अकाउंट होल्ड अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन किसी कारणों से कभी आपका चेक क्लियरिंग में आता है और आपको वो चेक पास करना होता, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो बैंक आपको कुछ अमाउंट जो कि चेक पास करने के लिए ज़रूरी होता है वो आपको अलाउ करती है कि आपका इतना विड्रॉ कर सकते हैं और आपका चेक पास कर सकती है, और जितने दिन के लिए आप ये सुविधा उठाते हैं उतने दिनों के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए, जो लोग अपना सैलरी अकाउंट किसी बैंक में रखते हैं तो उसमें विभिन्न बैंक्स, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हों और प्राइवेट बैंक हों, वो उनको उतनी सैलरी अमाउंट तक का आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मिस्टर बाबूलाल एक प्राइमरी टीचर हैं और उनकी सैलरी 30,000 रुपये महीने आती है, और जिस बैंक में वो खाता रखते हैं उस बैंक द्वारा उन्हें उतने ही अमाउंट की, 30,000 रुपये अमाउंट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करती है। अक्सर ऐसा होता है कि महीने के अंत में हमारे सारे पैसे यूज हो जाते हैं और हमें कभी कोई बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, जमा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस समय अगर हमारे खाते में जीरो बैलेंस हो तो भी हमें अपने लिमिट यानी 30,000 जो हमें ODI लिमिट अलाउ है उतने रुपये हम विड्रॉ कर सकते हैं, और फिर जब आपकी सैलरी उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, आ जाएगी, तो वो पैसा एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जितने दिन तक आपने वो पैसा अपने अवेल किया है उतने दिन का एक सर्टेन इंटरेस्ट आपको बैंक नॉमिनल चार्ज ले लेती है। अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट। सिक्योरिटी जैसे आपके पास बैंक फिक्स डिपॉजिट हो, आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, तो हम ऐसी सुविधा ODI लेकर रखते हैं कि हमारे इमरजेंसी में कभी अवसर पड़ने पर हम उस पैसे का तुरंत शीघ्र उपभोग कर सकें ताकि हमें बैंक का चक्कर न लगाना पड़े। ऐसे में अगर बैंक, हर बैंक का अलग अलग नियम होता है और वो बैंक 75% से लेके 90% तक के ये सुविधा आपको अलाउ करती हैं। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 का फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक आपको 75,000 का ODI लिमिट बना देगी। ये वैरी करता है 75,000 से 90,000 तक, ये बैंक टू बैंक वैरी करता है, ये आप जिस बैंक से अप्रोच करते हैं अपने बैंक से वो आपको बताएगा। अब आप 75,000 या 90,000 का जो ODI लिमिट बनता है उस लिमिट के अगेंस्ट आप कभी भी पैसा विड्रा कर सकते हैं, और आप किसी भी पर्सनल यूज में या किसी और कार्य में आप उसका उपभोग कर सकते हैं। आपको क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट इसमें?
सपोज कर लीजिए आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको अपने जो पैसा आपने ओवरड्राफ्ट में अवेल किया है उस पे 1% और ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि आपको 8% पे करना पड़ेगा। इसीलिए हमें आवश्यक कार्यों के लिए ओडी लिमिट हम बना के रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका विड्रॉ कर सकें। इसके अलावा बिजनेसमैन या कंपनियों के लिए हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी बैंक्स ओवरड्राफ्ट अलाउ करती हैं, यानी जो कलेक्टर सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करते हैं उसके वैल्यूएशन के हिसाब से 70-75% आपको बैंक लिमिट प्रदान करती है। ये लिमिट अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं और आप उस पैसे का उपभोग कभी भी किसी समय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है जिसे आप अपने आवश्यक खर्चे या इमरजेंसी के समय आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज तक इतना ही। नेक्स्ट में जाते जाते एक क्विज आपके लिए है, आप बैंकर्स दोस्तों के लिए, बैंकर्स भाइयों के लिए, क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई लोन स्कीम है, ऐसा कोई लोन है जहाँ पे डिसबर्समेंट अमाउंट केवल एक बार में किया जाता है, पार्ट में या इंस्टॉलमेंट में नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा और इसके साथ आपको प्राइस डिक्लेयर करूंगा। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपना लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स।